हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 7 नवंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 नवंबर को दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि ढाका। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की और यहीं पर अभी रिसेंटली दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ढाका की यात्रा पर गए हुए हैं। अगर हम बात करें साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो साउथ एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। तो इसमें सदस्य के तौर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। तो ये सभी देश मिलकर प्रयास करते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जाएं। ठीक है, तो इसी की बैठक का 15वीं बैठक का आयोजन अभी रिसेंटली ढाका में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2020 के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को अभी रिसेंटली गणतंत्र दिवस समारोह 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। अगर जेयर बोलसोनारो भारत की यात्रा पर आते हैं तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का इनका पहला दौरा होगा। इसी तरीके से अगर हम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर देखें तो ये गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले ब्राज़ील के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले 1996 में फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो और 2004 में लुई इनासियो लुला दा सिल्वा गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले चुके हैं। तो यहाँ पर दो राष्ट्रपति थे जो ऑलरेडी पहले ही जो है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले चुके हैं और एक बार फिर से जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को भारत की यात्रा के लिए गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने का फैसला लिया गया है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये अपना इंडिया है और अगर यहाँ से अगर आप नीचे की साइड जाएंगे तो ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है ब्राज़ील। ठीक है, तो यहीं के राष्ट्रपति हैं जेयर बोलसोनारो और इन्हीं को गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित करने का फैसला लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नवंबर 2019 में तीसरे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कोलकाता में। अभी रिसेंटली तीसरे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन कोलकाता में किया जाने का फैसला लिया गया है। आप सभी को पता है, मैंने आपको बता भी रखा है कि 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। तो ये जो 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है, इसी में जो है ये तीसरा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करना या कह सकते हैं वैज्ञानिक विचारधारा के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध करवाना यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो खास करके जो हमारी जो भी महिलाएं हैं उनको जो है इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए एक तरीके से मंच उपलब्ध करवाने के लिए ये तीसरा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव होगा जिसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको ये तो बताया ही है कि 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या था, तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, कल की वीडियो में भी हमने ये देखा था। इसका जो थीम है वो है रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए, कल पढ़ा था और एक बार फिर से पढ़ लिया तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल बनने वाला चौथा रेलवे स्टेशन बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन
चौथा ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर दृष्टिबाधित लोग जो है आसानी से आ जा सकते हैं। इससे पहले जो सबसे पहला जो कह सकते हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए उनके अनुकूल बनने वाला जो पहला जो रेलवे स्टेशन था भारत का वो था मैसूर, कर्नाटक में पड़ता है मैसूर रेलवे स्टेशन। तो ये जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन था दृष्टिबाधित लोगों के लिए, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बेंगलुरु और फिर बोरवली स्टेशन जो कि मुंबई में है, ये जो है तीसरा स्टेशन था। तो ये तीन स्टेशन थे और अब चौथा स्टेशन बन चुका है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन जो कि दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें जो है ब्रेल बेसिकली स्टेशन में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं ब्रेल लिपि का उपयोग करके जो है जो जो लोग देख नहीं पाते हैं वो जो है आसानी से पढ़ पाते हैं, ठीक है। और 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो है ब्रेल लिपि जो लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार सॉरी ब्रेल लिपि का जिन्होंने आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, तो उनके उनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला यानी कि वॉयजर 2। अभी रिसेंटली वॉयजर 2 सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया है। वॉयजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली वॉयजर 1 जो कि पहले ही सूर्य की सीमा को पार कर चुका है 2012 में, उसको भी जो है 1977 में ही लॉन्च किया गया था। पहले वॉयजर 1 लॉन्च किया गया था, उसके 16 दिन बाद जो है वॉयजर 2 लॉन्च किया गया था। लेकिन वॉयजर 1 जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है सूर्य की सीमा को पार कर गया। 2012 में ही इसने जो है सूर्य की सीमा पार कर ली थी और अब फाइनली वॉयजर 2 ने भी सूर्य की सीमा पार कर ली है। वॉयजर 1 मानव निर्मित ऐसा उपकरण है जो कि जो है सबसे दूर की यात्रा पर गया है, यानी कि हमने इसको सबसे ज़्यादा दूर जो है भेज दिया है। तो ये सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित उपकरण है वॉयजर 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मानव निर्मित ऐसी कौन सा उपकरण है या फिर कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसको सबसे दूर भेजा गया है अभी तक, तो वॉयजर 1 है, ठीक है। तो सूर्य के बाहर की ओर जो हवाएं बहती हैं उसमें जो है सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुला जैसा घेरा बना लिया, जो हमारा सौरमंडल है उसके चारों तरफ जो है सूर्य की तरफ से जो हवाएं बहती हैं उसने जो है एक बुलबुले जैसा घेरा बना लिया है, जिस घेरे को बोला जाता है हेलियोस्फीयर, ठीक है। और इसकी सीमा से बाहर का जो अंतरिक्ष है उसको इंटरस्टेलियर मीडियम कहा जाता है। तो जो इंटरस्टेलियर मीडियम है यहीं पर जो है ये वॉयजर 2 पहुंच चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर से देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ई वाला जो एरिया था इसको पार करके ये जो है इस सीमा से बाहर आ चुका है। तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों ही जो है सूर्य की सीमा को पार कर चुके हैं, ठीक है। बस आप इन अंतरिक्ष यान का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 के लिए आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है। हमको ये बताना है कि ये जो विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन भारत में होगा और अभी हाल ही में इसके लिए फीफा की तरफ से लोगो जारी किया गया है। इसका जो लोगो है ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में इसका जो है इसको लॉन्च किया गया था, इसका अनावरण किया गया था, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही है फीफा का लोगो जो कि अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 के लिए लॉन्च किया गया है मुंबई में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवंबर 2019 में वेस्टलैंड एटलस के 5वें संस्करण का संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। अभी रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर ने वेस्टलैंड एटलस के 5वें संस्करण को लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्हीं की तरफ से इस एटलस को जारी किया गया है। इस एटलस का प्रकाशन भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो इन दोनों ने ही जो है इसको मिलकर बनाया है, तो आपको इन दोनों ही संस्थाओं का नाम भी पता होना चाहिए। एटलस हमें ये बताता है कि हमारे देश की करीब 17% भूभाग जो है, यानी कि अगर हम इसको आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 5,50,76 हेक्टेयर भूमि जो है वो बंजर है, जबकि 2008-2009 में ये 5,66,00,000 हेक्टेयर भूमि जो है बंजर थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सुधार देखने को मिला है पहले की तुलना में। इस बार जो है मतलब हमने ज़्यादा भूमि जो है उपजाऊ बना ली है, ठीक है, यानी कि बंजर भूमि जो है वो कम हुई है।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा अराइज नामक भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आईआईटी मद्रास। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा अराइज नामक एक स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया गया है। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आप इस व्हील चेयर को देख पाएंगे, यही है वो व्हील चेयर जिसका नाम रखा गया है अराइज। तो जो भी जो विकलांग लोग होंगे वो जो है इस व्हील चेयर के सहारे खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक और देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर से इस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये भारत की पहली व्हील चेयर है जो कि जो विकलांग लोग हैं उनको कह सकते हैं कि खड़ा करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो ये काफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो चल नहीं पाते हैं। तो इस व्हील चेयर के सहारे जो है वो आसानी से अगर उनको कहीं पर ज़रूरत होती है खड़े होने की, तो वो खड़े हो पाएंगे बिना किसी सहारे के। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 30 GW करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि गुजरात। अभी रिसेंटली गुजरात की गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वो 30 GW करेगा। वर्तमान में ये जो क्षमता है ये 9,670 MW है, यानी कि अगर हम इसको मेगावाट में ही देखें तो 2022 तक इसको 30,000 MW करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोची में आयोजित मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीता गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि सारा दमजनोविक ने अभी रिसेंटली मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए, ये जो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 था, इसका आयोजन केरल के कोची में किया गया था। इसमें वियतनाम की गुएन थी येन ट्रांग को मिस एशिया का, जबकि भारत की समीक्षा सिंह को मिस ब्यूटीफुल फेस का टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इन जो ये नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। 2020 में ये जो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल होगा, इसका आयोजन मलेशिया में किया जाना है, इस बार भारत में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? केरल के कोची में। और बाकी जिन लोगों को विजेता घोषित किया गया उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 नाम, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि चीन। अभी रिसेंटली चीन ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ये जो उपग्रह है ये सैन्य, आर्थिक और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान के मकसद से विकसित किया गया है, और ये सूडान का पहला उपग्रह है जो कि चीन ने लॉन्च किया है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। अगर मैं आपको सूडान ले चलूँ तो हम मैप में देखेंगे कि सूडान कहाँ पर पड़ता है, ये अपना इंडिया है और ये जो दिख रहा है आपको ये है सूडान, जिसके बगल में जो है चाड, लीबिया, इजिप्ट वगैरह है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो यहाँ पर जो है आपको साइड में रेड सी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाल सागर। और बाकी जो इसके पड़ोसी देश हैं वो तो हमें दिख ही रहे हैं, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, ठीक है, इथोपिया, इरिट्रिया, तो ये सभी देश जो है इसके आसपास हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि नवंबर 2019 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहाँ पर मृदंगम की संगीतमय उत्कृष्टता पर एक विशेष मोनोग्राम जारी किया है। मोनोग्राम या हिंदी में इसको बोलेंगे आलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि चेन्नई में। अभी रिसेंटली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में मृदंगम की संगीतमय उत्कृष्टता पर एक विशेष मोनोग्राम जारी किया है। ये जो मोनोग्राम है ये प्रसिद्ध मृदंगम वादक डॉक्टर उमैया पालम के शिवरामन, वैज्ञानिक डॉक्टर टी रामास्वामी और डॉक्टर एमडी नरेश ने तैयार किया है। मृदंगम जो है वो दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है जिसका उपयोग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र के रूप में होता है, जो आप यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं। तो एक तरीके का ये यंत्र है, जिस तरीके से हम ढोलक वगैरह होता है उसी तरीके से ये होता है, इसको मृदंगम बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है वो आलेख लिखा गया है। इसके बारे में पूरा इतिहास वगैरह जो भी है इसका, वो सभी चीज़ों का वर्णन उस आलेख में किया गया है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्नों की, जिनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि हाल ही में पहली महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख
डैश का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि सदाको ओगाटा का अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ये पहली महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख थी। 1991 से सन 2000 के बीच में ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की प्रमुख रही। इसके अलावा 1978 से 79 तक ये यूनिसेफ की चेयरमैन भी रही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्टूबर 2019 में ऑपरेशन धनुष चलाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि भारतीय रेलवे ने अभी दीपावली के अवसर पर ऑपरेशन धनुष चलाया था। तो इसका उद्देश्य था कि जो ई टिकटिंग में जो धांधली होती है उसको रोका जाए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया था। अब आपके लिए आज के प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि थोटला कोंडा बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। थोटला कोंडा बौद्ध स्थल अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि जो बौद्ध स्थल है किस राज्य में स्थित है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ये भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ये कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।